सहारनपुर नगर कोतवाली पुलिस ने 38 लाख रुपए की करेंसी के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में से एक देहरादून निवासी परमजीत सिंह जो प्रॉपर्टी का व्यवसाय करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति सुरेंद्र सहारनपुर निवासी है और शामली में सहकारी बैंक में नौकरी करता है, जो पुरानी करेंसी बदलने का दावा करके लोगों को जाल में फंसाता है। एएसपी सुनीति ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए दोनों व्यक्ति थाना कोतवाली के दाल मंडी पुल पर झगड़ा कर रहे थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों को थाने में लाकर तलाशी ली तो इनके पास से 38 लाख रुपए की करेंसी बरामद की गई, जिनमें 500 व 1000 की पुरानी करेंसी है। देखिए ऐसा है, कल शाम को थाना कोतवाली नगर में सूचना आई थी कि दो लोग दाल मंडी पुल के आसपास झगड़ रहे हैं। तो जब थाना पुलिस वहां पहुंची, उन लोगों की चेकिंग की गई, फ्रिस्किंग की गई, सामान की जांच की गई, तो पाया गया उन लोगों के पास से करीब 38 लाख रुपीस पुराने 500 और पुराने 1000 के डिनोमिनेशन में पाए गए हैं। दोनों को थाने लाया गया, पूछताछ की गई तो पता चला है उनमें से एक देहरादून का रहने वाला है, एक लोकल है सहारनपुर का, लेकिन वो शामली में किसी कोऑपरेटिव बैंक में काम करता है। फिलहाल रुपए हमने सीज कर लिए हैं, इनकम टैक्स को सूचना दे दी गई, जो विधिक कार्रवाई है उसे अमल में ला रहे हैं। सहारनपुर नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ में किया, नगर कोतवाली पुलिस ने 35 लाख की पुरानी करेंसी के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण, इंडिया 24 न्यूज़।